स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्टील से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो आज आ गया हूं फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके। तो यहां पे हमारे पास एक लेंथ है जो कि जिसका साइज़ होता है 20 फीट लंबा पाइप है स्टेनलेस स्टील का। उसका जो साइज़ है वो 1 इंची बाय 1 इंची का स्क्वायर पाइप है। तो बहुत भाई लोग बहुत से जगह पर रहते हैं तो वहाँ स्टील का माल को समझ में नहीं आता। इसी पर्पज़ पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आपको बहुत सारा हेल्प हो सके। और कभी भी आपको अगर जानकारी चाहिए होगा तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप वज़न को देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि स्टील पाइप का वजन कितना होगा 1 इंची बाय 1 इंची का, वो भी 18 गेज का। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि 18 गेज में कितना होता है और 24 गेज का पाइप में कितना होता है वजन। तो चलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं काटा को ऑन। और यहाँ पे हम अपने पाइप को, जिसकी लंबाई मैं बता चुका हूँ ये 20 फीट लंबा होता है, तो ये पहले मैं 18 गेज का जो पाइप है उसको मैं वजन कर लेता हूँ कितना केजी हो रहा है। उसके बाद मैं 24 गेज का पाइप को वज़न करूंगा, उसके बाद दोनों में देखें कितना का डिफरेंस होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि स्टील का जो पाइप होते हैं वो कैसे केजी मिलते हैं, बहुत कोई शहर में थोड़े अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको चढ़ा दिया है, ये 1 बाय 1 का स्क्वायर पाइप है 18 गेज का। तो इसका वज़न यहाँ पर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं 5 kg 350 ग्राम, यानी 1 इंची 1 इंची स्क्वायर पाइप का वज़न होता है 5 kg 350 ग्राम। और अब हम लोग देख लेंगे 24 गेज वाले पाइप को कि उसका वज़न कितना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो स्टेनलेस स्टील का जो फर्नीचर बनते हैं वो हल्के हल्के पाइप में बनते हैं 24 गेज में 26 गेज में, तो हम लोग यहाँ 24 गेज का माल होता है ज़्यादातर बनते हैं, तो इसलिए 24 गेज को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ। और 18 गेज का बहुत ज़्यादा चलता है ग्रिल गेट वगैरह में। तो यहाँ पे अभी हम लोग 24 गेज को देख लेते हैं, उसका वज़न तो 5 kg 300 हुआ, ये 24 गेज का कितना वज़न होता है। तो यहाँ पे हमने इसको भी चढ़ा दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 kg 150 ग्राम, यानी लगभग 2 kg कम। यानी अगर माल का दाम 200 रुपये भी अप्रोक्स धरे तो आप सोच सकते हैं कि 500 रुपये का डिफरेंस हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई पाइप का वज़न जानना है वीडियो तो आप कमेंट कीजिए।